बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डाटा एजुकेशन के डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है हैश टेबल्स। अब लास्ट टाइम पे हमने मैप इंटरफेस के हवाले से बात की थी और उसमें हमने कहा था कि दो वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है, एक की का होना और एक की भी नहीं बल्कि यूनिक की का होना और एक उसकी वैल्यूज का होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे हैश टेबल पे। द हैश टेबल क्लास प्रोवाइड अ मीन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा बेस्ड ऑन सम यूजर डिफाइंड की स्ट्रक्चर। उसके अंदर पहले से स्ट्रक्चर बना दिया गया। स्ट्रक्चर क्या है, देखिए पहले दिन से बात हो रही है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा को जब आपने रखना है तो किस तरीके से आपने उसको रखना है, और ज्यादातर आपने देखा कि हमने अरे के हवाले से डिस्कशन की। एक चीज है कि आपको बना बनाया स्ट्रक्चर दे देते हैं, और एक आपको ये है कि आपने उस स्ट्रक्चर को खुद डिफाइन करना है और उसको मॉडिफाई करना है। जब आप हैश टेबल की बात करते हैं तो आप इसके अंदर हम अपना डिफाइंड कर सकते हैं अपना स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल इन एन एड्रेस लिस्ट हैश टेबल यू कुड स्टोर एंड सॉर्ट डाटा बेस्ड ऑन की सच एज जिप कोड रेदर देन ऑन अ पर्सन नेम। अगर आपने एड्रेस बनाया हुआ है और आप अगर आप MySQL की बात करें, अगर आप MySQL ये ओपन में कर रहा हूं ताकि आप समझाने के लिए, ये एक रिकॉर्ड है। लेट्स सपोज ये सारा सारा एक डेटा स्ट्रक्चर के तौर पर, पीछे बगैर डेटा स्ट्रक्चर के तो ये नहीं बन सकता। जब आप ऊपर ये बना रहे होते हैं, जैसे कि आपने टेबल बनाई तो उसके अंदर आपने, जैसे ये टेबल है MIT प्रोजेक्ट में खोलता हूं, टेबल्स पे यूजर्स पे, और आप राइट क्लिक करते हैं अल्टर टेबल पे आते हैं। जब आप ये वाली चीज ओपन होती है आपके सामने तो दिस इज द डेटा स्ट्रक्चर। दिस इज द डेटा स्ट्रक्चर कि आप क्या लेंगे, वेरिएबल फैक्टर लेंगे, आप इंटीजर लेंगे, आप डबल लेंगे, आप उसको किस तरीके से लेंगे, ये सारा का सारा आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, डेट एंड टाइम है, आप स्ट्रिंग लेने जा रहे हैं, आप इसके अंदर इमेज लेने जा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं लेट्स सपोज, तो ये सारे के सारे BLOB ईयर टाइम स्टैम्प अ लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्रोवाइडेड बाय दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर आपका। अब इसके एक मीनिंग है, हर एक के पीछे जब आप इंटीजर लेते हैं अब उसका मतलब है आपने 4 bytes ले रहे हैं, लॉन्ग है तो 8 bytes ले रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप टाइनी ले रहे हैं तो 1 byte ले रहे हैं। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा यू विल नॉट एबल टू हैंडल ऑल काइंड ऑफ दिस थिंग। लेने के लिए डाटा स्ट्रक्चर का पूरा मजमून आपको सिर्फ ये डिफाइन करता है कि किस तरीके से आपने डाटे को प्रेजेंटेशन लेनी है, उस प्रेजेंटेशन के बेस के ऊपर आपने चीजों को करना। अगर हम अपनी वापस आए, अब जैसे अब सॉर्ट करना, देखें हमने एल्गोरिथम्स पढ़े, हमने सॉर्टिंग बबल सॉर्ट पढ़ा, मर्ज सॉर्ट पढ़ा, हमने सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा। जब हम इस डेटाबेस को सॉर्ट करते हैं और उनको इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं या रिट्राइव करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो जितना ज्यादा हमारा डेटाबेस कंप्लेक्स, हमने डेटा स्ट्रक्चर लिया हुआ है, उतना मुश्किल होगा उसको रिट्राइव करना। अभी आप लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं होगा, आप कहेंगे जी हमारे पास तो जो जनाब पता नहीं i5 है, डुअल कोर है, फ्लां है, फ्लां है। आपने कभी तसव्वुर क्यों नहीं करते, अभी पिछले दिनों पे बराक ओबामा ने दुनिया का फास्टेस्ट तरीन कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बनाने का ऑर्डर जारी किया, जो कि 15 साल लग जाएंगे उसको बनाने में, लेकिन वो आज की स्पीड से 20 गुना ज्यादा हैवी होगा। क्या जरूरत है उनको ये काम करने की, अभी जितनी स्पीड उनके पास है क्या वो काफी नहीं? बिल्कुल नहीं। वजह क्या है कि जब डाटा स्मॉल क्वांटिटी में होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, आपने 5-7 रिकॉर्ड एंटर किए हुए, कंप्यूटर उसको प्रोसेसिंग करके आपको फौरन दिखा देता है, आपको एहसास भी नहीं होता कि इसमें कोई डिले हुआ, क्योंकि एक ह्यूमन जो दिमाग है वो तकरीबन 20-25 सेकेंड के फर्क को समझता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर नैनो सेकेंड का भी फर्क बहुत इंपॉर्टेंट। जब डेटाबेस आपने एक बनाया, लेट्स सपोज वो डेटाबेस आपने एक इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम आपने बना के एक शॉप पे रखवा दिया, शुरू में उन्होंने अपने कंप्यूटर्स लिए, सब कुछ ठीक था, आपका डेटा स्ट्रक्चर बहुत खराब दिया, आपने वेरिएबल कैरेक्टर 100 लिए हुए हैं, हर जगह पे फालतू बिट्स ली हुई है, शुरू में वो डेटा स्ट्रक्चर आपने डिजाइन करते हुए सोचा ही नहीं इसकी अहमियत ही क्या है, आपने प्रोग्रामिंग की कोडिंग की थक करके पकड़ा दिया, 1 साल तक 2 साल तक 3 साल तक वो बिल्कुल ठीक चलता रहा, 4th साल में जब उनके पास रिकॉर्ड हैवी होना शुरू हो गया, अब वो एक ही चीज एंटर मारते हैं तो जनाब कंप्यूटर बैठ जाता है, तो उसकी वजह आपका डाटा स्ट्रक्चर का फॉल्ट। तो किस चीज से आपने सर्च करना,
किस चीज से आपने ड्राइव करना है, किस चीज से आपने इंफॉर्मेशन को लेना है और क्या आप उसका डिजाइन करेंगे। देखिए अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं और इसका स्ट्रक्चर आपने ठीक नहीं रखा हुआ तो वो बिल्डिंग कभी भी सही जगहों पे सही तरीके से आगे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं होगी। द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ कीज इन रिगार्ड टू हैश टेबल इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द यूजेज ऑफ द हैश टेबल एंड द डाटा कंटेंट। अब हम इसी हैश टेबल के अंदर हम डिस्कशन के अंदर आते हैं ताकि हम इसको देख सकें कि क्या बेसिकली मकसद है। हैश टेबल वॉज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल जावा डॉट यूटिल एंड इज कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ डिक्शनरी। एक होती है लूज बाइंडिंग। लूज बाइंडिंग का मतलब है कि हमने कुछ प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। लेट्स सपोज मैंने कल आपसे डिक्शनरी के हवाले से बात भी कर रहा था कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी देखनी है तो डिक्शनरी ए बी से स्टार्ट हुआ तो उसके नीचे सारे वो वर्ड्स आएंगे जो ए बी से स्टार्ट होंगे। अबकस, अबैंडन, सबके मीनिंग आएंगे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट इन दो अल्फाबेट्स पे। जब ये खत्म हो जाएंगे फिर अगले अल्फाज। इस तरीके से डिक्शनरी वर्क करती है। अब हमने हैश टेबल के साथ परफॉर्मेंस क्या करनी है, हमने एक कंक्रीट बेस के ऊपर हमने डिक्शनरी बनाई। हाउएवर जावा 2 इंजीनियर्ड हैश टेबल सो दैट इट आल्सो इंप्लीमेंट द मैप इंटरफेस। लेकिन अब जो हम जावा 2 कर रहे हैं और जो हम जावा डॉट यूटिल क्लास को इस्तेमाल करते हुए करेंगे, इसमें हमने मैप इंटरफेस को जो हमने लास्ट टाइम पे आपसे बात की थी कि दो होना जरूरी है, एक वैल्यू और एक उसकी की का होना जरूरी है, उसको भी उसने इंप्लीमेंट किया। Hash table is now integrated into the collection framework. It is similar to the hash map but is synchronized. ये hash map के साथ है लेकिन ये synchronized है. Like hash map, hash table stores key value pair in hash table. When using a hash table, you specify an object that is used as a key. अब आपने बिल्कुल जिस तरह map की तरह किया, आपने एक table design करेंगे, यहाँ पे एक key होगी और एक वैल्यू होगी लाइक दिस हैश टेबल। अगर आप इसकी सर्च करना चाहें तो यहां पे इमेज दिखाने के लिए हैश टेबल, जिस चीज का मैंने आपसे बार बार कहा हुआ है कि मीनिंग या आपको कोई भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो आप उसके बारे में थोड़ा सा पहले से सर्च आउट कर लिया करें। जी ये कुछ प्रेजेंटेशन हमारे सामने आ गई जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था लाइक दिस। ये कर ले, सो वी हैव अ हैश टेबल इन हियर। अगर आप देखें तो एक तरफ कीज है, एक तरफ बकेट्स हैं और एक हैश फंक्शन है। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है जैसे कि ये जॉन स्मिथ दे रहा है That was retrieved, एक टेबल के अंदर बकेट के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर हो गई और वो वैल्यूज आपकी किसके साथ लिंक हो रही है विद दिस थिंग यू कैन रिट्राइव दैट। यही मैप के अंदर था, मैपिंग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट था हैश मैप के अंदर, अगर उसको हम बाद में देखते हैं पहले हम इसी हैश टेबल के ऊपर बात कर रहे हैं। इन की वैल्यूज इन पेयर्स, यानी की भी होना चाहिए और फिर उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए। When using a hash table, you specify an object that is used as a key. आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा जो कि उसको एज अ की कर सके। जैसे ये कीज हैं आपकी, जॉन स्मिथ, लीजा स्मिथ, सैंड्रा। इसी तरीके से अगर आप और देखें इसी तरह से यहाँ पे आपको बना रहा है तो ये एंट्रीज इसकी स्टोर हुई हुई आपको नजर आएंगी। कीज इसके साथ एक वैल्यू एंड देन उसकी की एंड इसकी वैल्यू दैट वाज स्टोर्ड इन द स्ट्रक्चर। द की इज देन हैश्ड and the resulting hash code is used as the index at which the value is stored within the table. कि अब आप उस हैश की मदद से मालूम कर सकते हैं कि आपकी कौन सी वैल्यू टेबल के अंदर मौजूद है। The hash table defines your constructor. The first version in the default constructor hash table. अब इसका पहला एक तो दो हैं जिस तरह से आपने देखा था, हमने वेक्टर के अंदर भी यही चीज देखी थी, उसके दो कंस्ट्रक्टर थे। एक तो आप हैश टेबल रखते हैं और दूसरा आप उसका साइज भी मेंटेन करते हैं। जैसे कि हैश टेबल है और इसका हमने हैश टेबल इंटीजर साइज दिया। हैश टेबल के अंदर डिफाइंस फोर कंस्ट्रक्टर, अब नीचे आना है, पहला कंस्ट्रक्टर है खाली छोड़ दें,
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, सेकंड वर्जन में आप टेबल दैट हैज एन इनिशियल साइज स्पेसिफाइड बाय द साइज, दूसरे में आपने कंस्ट्रक्टर में साइज खुद डिफाइन कर देना है कि जी मुझे 10 का चाहिए 20 का चाहिए। द थर्ड वर्जन क्रिएट्स अ हैश टेबल दैट हैज एन इनिशियल साइज स्पेसिफाइड बाय साइज एंड द फिल रेशियो स्पेसिफाइड बाय द फिल रेशियो। एक तो आपने इसका साइज दे दिया और एक आपने बताया कि जब भी टेबल इंक्रीज होना होगा तो वो कितने से इंक्रीज होगा। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाया था, जब तो आपने देखा था कि हम उसमें जब भी बनाते थे तो वो उतने ऐड कर देता था, तो सिमिलरली ये फिल रेशियो से भी यही मुराद है। अब हैश टेबल इंटीजर साइज फ्लोट फिल रेशियो, द फोर्थ वर्जन क्रिएट्स, अच्छा अब हैश के अंदर हमने फिल रेशियो द फोर्थ वर्जन क्रिएट्स अ हैश टेबल दैट इज इनिशियलाइज्ड विद द एलिमेंट्स इन एम, द कैपेसिटी ऑफ द हैश टेबल इज सेट ट्वाइस टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम, द डिफॉल्ट लोड फैक्टर इफ 0.75 इज यूज्ड, तो लोड फैक्टर इसका 0.75 है। अब आखिर में आपने हैश टेबल और फिर जो आपने लास्ट टाइम पे मैप बनाना सीखा था आप इसके अंदर मैप भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके मेथड्स हैं, अब वो कोई मेथड की लिस्ट जो है वंस अगेन कुछ 14 मेथड है जी इसके अंदर। अब इन मेथड्स के साथ पहला मेथड है वाइड क्लियर, हर एक में क्लियर आता है, अंडरस्टैंडिंग अब मेथड से हो जानी चाहिए। रीसेट्स एंड एम्प्टीज द हैश टेबल, पहले से मौजूद जो टेबल है उसको आपने क्लियर करना एम्प्टी करना। दूसरा जी ऑब्जेक्ट क्लोन रिटर्न अ डुप्लीकेट ऑफ द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट, आपने सेम टू सेम उसको बनाना हो तो आप उसको डुप्लीकेट करेंगे, उसके लिए आप ऑब्जेक्ट क्लोन लेंगे। बोलीन कंटेन्स रिटर्न्स यूजर ट्रू इफ सम वैल्यू इक्वल टू द वैल्यू एग्जिस्ट विद इन द हैश टेबल, अगर आपने कोई चीज सर्च करनी है और आप ये मालूम करना चाहते हैं कि वो टेबल के अंदर है या नहीं है तो वो आपका देखेंगे। आप देखें बहुत सिंपल सा है, आप सारी चीजों को आप मिक्स करना चाहे, आज हमने सुबह सी शार्प के अंदर देखा कि हमने किस तरीके से डिलीट रिकॉर्ड करते हैं, इंसर्ट का तो इशू कोई नहीं, लेकिन आप जरा गौर करें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिकॉर्ड यूजर नेम से डिलीट करना था तो उसने सारा रिकॉर्ड पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, सर्च किया होगा कि नहीं किया, उसने हर एक को मैच किया होगा कि नहीं किया होगा। लेट्स सपोज अगर मैं चाहूं तो मैं सारे सारे सिटी के नाम से अगर मैं दे दूं कि बेयर सिटी इज इक्वल टू लाहौर, तो वो सारे रिकॉर्ड जहां जहां पे भी लाहौर के होंगे सबको पढ़ेगा और डिलीट कर देगा, तो टाइम बहुत थोड़ा लगता है क्योंकि आपका रिकॉर्ड थोड़े हैं आपका चीजें हैं, लेकिन वो रीड करा जब वो उसको ट्रू मिलती है वैल्यू डाटा स्ट्रक्चर में तो वो उसको फिर ऑटोमेटिकली वहां से डिलीट करते जाते। बुलियन कंटेन्स की ऑब्जेक्ट की रिटर्न ट्रू इफ सम की इक्वल टू द की एग्जिस्ट विद इन द हैश टेबल, रिटर्न्स फॉल्स इफ द की इज नॉट फाउंड, ये आपके क्विजेस में भी इसी तरीके से आ सकता है कि आपके पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट दी जा सकती है और नीचे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये कौन सा वाला मेथड है और किसका मेथड, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड रीड इट अगेन एंड अगेन एंड यूज इट अगेन अगेन। बोलीन कंटेन्स वैल्यू ऑब्जेक्ट वैल्यू रिटर्न ट्रू इफ सम वैल्यू इक्वल टू द वैल्यू एग्जिस्ट विद इन द हैश टेबल, इसी तरीके से इन्यूमरेशन बार बार बात हुई है रिटर्न एंड इन्यूमरेशन ऑफ द वैल्यू कंटेन्ड इन द हैश टेबल, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट गेट आप वैल्यूज को गेट करने के लिए इज एम्प्टी रिटर्न ट्रू इफ हैश टेबल इज एम्प्टी, इन्यूमरेशन कीज कीज रिटर्न करने के लिए, गेट आपका हासिल करने के लिए पुट वैल्यूज डालने के लिए होता है, रीहैश इंक्रीज द साइज ऑफ द हैश टेबल एंड रीहैशेस ऑल ऑफ द कीज, ऑब्जेक्ट रिमूव आपने कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना हो इनिशियल साइज आपका इंटीजर साइज रिटर्न द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द हैश टेबल रिटर्न्स द स्ट्रिंग इक्विवेलेंट ऑफ द हैश टेबल। सो दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर, हम अब नेक्स्ट सेशन में हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।